सर, झारखंड में जो नतीजा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर्स को, ख़ासतौर से जनाब शिबू सोरेन साहब को, हेमंत सोरेन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो झारखंड की आवाम ने उनको जो कामयाब किया वो उन तमाम उम्मीदों पर उतरेंगे, और मैं अपनी जानिब से उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ख़ास तौर से झारखंड की उस आवाम का, उस जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी के हक़ में वोट दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इनकी इस मोहब्बत का मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो हमको कामयाबी नहीं मिली, इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी कमज़ोरियों को दूर करेंगे, मगर मैंने झारखंड की आवाम से वादा किया था कि हम सिर्फ असेंबली इलेक्शन की हद तक यहाँ पर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर और मेहनत करेंगे, आवाम का एतमाद जीतेंगे। और जिस तरह हमने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में हमने काम किया, उसी तरीके से हम झारखंड में भी काम करेंगे, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वहाँ पर हमारी पार्टी को झारखंड की आवाम अपनी और मोहब्बत से और अपने एतमाद से हमको नवाजेगी। सर, आपके दोस्त हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। आपने दो दिन पहले अपील की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफदारी न करें इन सब चीज़ों में। पार्लियामेंट में भी उनकी पार्टी ने पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी नज़र आई थी, लेकिन कल उनका बयान जो आया उसे सीधा यू टर्न नज़र आया लोगों को। क्या कहना, क्या आपकी आपके दबाव में आ गए आपके अनुरोध? नहीं, देखिए मेरे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, वो एक स्टेट चला रहे हैं, उनकी भी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, आसान नहीं है। उस स्टेट में तेलुगु देशम की हुकूमत ने उसको कंगाल करके रख दिया, मगर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी पार्टी ने, उनकी हुकूमत ने इस तरह का फ़ैसला लिया। बल्कि हम तो ये भी गुजारिश करेंगे कि NRC से पहले NPR है, NPR NRC है, उस पर भी गौर करें, और ये अच्छा फ़ैसला उन्होंने लिया, ये ख़ुद का उनका फ़ैसला है। देखिए, सियासत में, पॉलिटिक्स में दोस्ती अपनी जगह पर है, मगर जब एक शख्स स्टेट चला रहा है तो वो उनका एक पॉलिसी डिसीजन होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। हैदराबाद में आपके ज़्यादातर सीटें हैं, हैदराबाद में जो GHMC एरिया है उसमें NPR शुरू करने का प्रोसेस तकरीबन शुरू हो गया है, क्या इसको आप उठाएंगे इस मसले? नहीं, हम तो गुजारिश करेंगे। मैंने तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा किया कि उनकी पार्टी ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया, मुश्किल फैसला था उनके लिए, लिया उन्होंने और दोनों लोकसभा राज्यसभा में उसके खिलाफ वोट दिया। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी इस पर गौर करिए NRC और NPR के ऊपर। सर, एक बेंगलोर से सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पंचर वालाज और इस तरह का, उन्होंने बयान दिया कि उन लोगों का प्रोटेस्ट नहीं, इनकी ये इनकी जो जहनीत है वो छोटी जहनीत के हामिल आदमी है। अगर कोई पंचर वाला है तो बुरी बात क्या है भाई, वो धूप बारिश सर्दी में बैठ कर ही तो जब टायर पंचर हो आता है तो टायर को सही करता है। हो सकता है कि वो करोड़पति हैं, उनको पंचर वाले का गम क्या मालूम, और वो भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली जो लोकसभा में स्पीच दी थी बहसियत प्रधानमंत्री, उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से कहा था कि ये टायर पंचर बनाते हैं, इनको मैं उठाना चाहता हूँ। तो उठेंगे मुसलमान, टायर पंचर बनाना कोई मायूब बात नहीं है, यकीनन इंशाअल्लाह ताला BJP के टायर में पंचर पड़ेगा, उनकी हवा उतर रही है, उतर जाएगी, झारखंड में हुआ है और पूरे देश में होगा। तो मगर ये क्या है, इनकी ये जो इलिटिस्ट थिंकिंग है ये, और देश जो है इलिटिस्ट थिंकिंग से नहीं चलता, देश चलता है गरीबों की तकलीफ को समझने से, आम आदमी की तकलीफ को समझने से। तो वो बेचारे नौजवान हैं और इलिटिस्ट हैं, तो उनको क्या बोल सकते हैं।